अश्विन शर्मा क्लासेस। देखो, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जैसे हम नोटपैड ओपन करते हैं तो नोटपैड की कुछ ट्रिक सीखनी है। मैं नोटपैड पे यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ, तो उस कंटेंट के साथ कब मैंने वो कंटेंट लिखा, किस डेट में और किस टाइम में, वो आ जाए। जैसे मान लिया आपके पास, आप यहाँ देखते हैं वर्ड एक्सेल वगैरह जो भी खोलते हैं, तो उसमें जो है इंसर्ट का ऑप्शन आता है जहां से आप डेट टाइम वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन नोट पैड में आपके पास फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, यही ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी फाइल में, नोट पैड की जो आपकी फाइल है, उस फाइल में .log लिखेंगे, क्या लिखेंगे, .log, स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में हमने .log लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद आप जो भी चीजें इसमें लिखेंगे, ठीक है, या इस फाइल में कुछ भी एडिट करेंगे, तो आपने कब किया, किस टाइम किया, वो सारा डेट और टाइम आपको मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, और इसको सेव करते हैं हम डेस्कटॉप पे ही, हम इसको सेव कर देते हैं और इसका कुछ नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप पे, मान लिया मैंने इसको लिख दिया कि शेड्यूल हम इसमें लिखेंगे, हमें क्या क्या शेड्यूल लिखना है। ठीक है, या हम जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो कौन सी क्लास हमने कौन से दिन लिखी है उसका हम लिखते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, इस नाम से हमने इसको सेव। अब देखो, इसको सेव करके आपने मान लिया बंद कर दिया अभी। अब आपकी कोई ऑनलाइन क्लास है तो आपने वो ऑनलाइन क्लास मान लिया आज 21 तारीख की है। ठीक है, तो आप इसको ओपन करते हैं, और ओपन करेंगे आप क्लास का नाम लिखेंगे कि क्या क्लास है, आपको कौन सी क्लास करानी है, किस टाइम करानी है, तो उसके बारे में या जो भी आप अपने लिखना चाहते हैं, कुछ शेड्यूल बनाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर शेड्यूल। देखो, अभी मैंने जब ये ओपन किया है, अभी 5:39 हो गए हैं, 21 अक्टूबर है, तो वो डेट यहाँ पर और टाइम यहाँ पे शो हो गया। आपने इस डेट टाइम पे यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, तो जैसे टुडे ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास, ठीक है, और क्या क्या टॉपिक आपको रखने हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सेमाफोर। ठीक है, ये जो भी आपको लिखना है, ठीक है, तो ये एटसेट्रा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपको जो है बेसिकली ये हमने सब चीजें यहाँ पे लिखी, इसको हम सेव कर देते हैं वापस से और इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपको बाद में कुछ लिखना है, इसमें एडिट करना है, तो आप ओपन करेंगे, तो जब आप ओपन कर रहे हैं तो उस टाइम अब 5:40, डेट और टाइम इस टाइम का आ गया। अब आपको जो भी इसमें लिखना है, जो भी एडिट करना है, आप यहाँ पे एडिट करेंगे। ठीक है, जैसे डेडलॉक, ठीक है, नोटपैड ट्रिक्स, ठीक है, ये हमने लिखा, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे बनाते चलेंगे। अब जब भी आप जिस टाइम भी, जितनी बार भी आप ओपन करेंगे, ठीक है, इस फाइल को, उतनी बार आपका जैसे ही ओपन करेंगे तो ये बता रहा है कि आपने कब क्या लिखा था। ठीक है, तो अब आप कुछ लिखना चाह रहे हैं इसमें एडिट, अगर नहीं भी लिखा, ऐसे ही आपने बंद कर दिया, सेव करके दोबारा ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओपन किया तो दोबारा टाइम, कि आपने इस टाइम ओपन तो किया था लेकिन कुछ लिखा नहीं था, तो कितनी बार आपकी फाइल ओपन हो रही है वो भी आपको शो होता जा रहा है, कब कब ये ओपन हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं, डेट और टाइम ऑटोमेटिकली किस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, तो ये जो डॉट लॉग लिखा है इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जितनी बार भी हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें डेट और टाइम इंसर्ट होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई ट्रिक लेकर।